क्या हाल चाल है दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में कंपेयर करेंगे दो न्यू TWS ईयरबड्स को जो अभी लेटेस्ट में ही लॉन्च किए गए थे, जिसमें सबसे पहले है नॉइज बड्स VS104, ये आपको अमेजोन पर मिल जाएगा। सेकंड है मीवी डुओपोड्स F40, इसे आप फ्लिपकार्ट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और बात करें इनकी प्राइसिंग की, तो इनका लॉन्चिंग प्राइस था 999 रुपीज, जो कि काफ़ी अग्रेसिव रखा गया था। और हो सकता है कि इनका प्राइस अभी थोड़ा बहुत इंक्रीज हो गया हो, लेकिन फिर भी आप इन्हें कार्ड डिस्काउंट के साथ परचेज करेंगे तो ये आपको अंडर 1000 रुपीज में मिल जाएंगे। तो आप जरूर से इनकी वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे इनके सभी फीचर्स के बारे में और इन दोनों TWS में से आपके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना। वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक जरूर कर देना। चलिए दोस्तों वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनकी बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन की। दोनों के फ्रंट साइड में इनकी कंपनी की ब्रांडिंग और 4 LED नोटिफिकेशन लाइट दी गई है, जो इनकी चार्जिंग कैपेसिटी को शो करती है। बॉटम साइड में टाइप सी पोर्ट दिया गया है चार्जिंग के लिए। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो पॉलीकार्बोनेट मटेरियल का यूज़ देखने को मिल जाएगा और दोनों में मैट फिनिशिंग का यूज़ किया गया है। और दोनों ही काफ़ी स्लिम ट्रिम एंड कॉम्पैक्ट साइज के दिए गए हैं और बहुत ही लाइट वेट भी फील होते हैं। इन्हें आप इजीली पॉकेट में कैरी कर सकते हैं। और साथ ही दोनों चार्जिंग केस की लीड में मैग्नेटिक लॉक का फीचर्स दिया गया है, ये काफ़ी टाइट क्लोज हो जाते हैं, यहाँ कोई भी इशू देखने को नहीं मिलता। दोनों के ईयरबड्स में भी मैग्नेटिक लॉक का फीचर्स दिया गया है, जिससे कि ये इजीली रिमूव नहीं होते हैं और इनको एक सेफ्टी प्रोवाइड हो जाती है। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन के मामले में दोनों सिमिलर ही परफॉर्म करते हैं। यहाँ दोनों चार्जिंग केस में आपको सिर्फ 19-20 का ही डिफरेंस देखने को मिलेगा। और अब बात कर लेते हैं ईयरबड्स की। इनके फॉर्म फैक्टर्स की बात करें तो नॉइज में इन ईयर डिजाइन का यूज किया गया है, वहीं मीवी में हाफ इन ईयर डिजाइन का यूज देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ फिर भी डिजाइन आपकी पर्सनल प्रायोरिटी हो सकती है। और यहाँ दोनों ईयरबड्स के टॉप साइड में टच सेंसर का यूज किया गया है और दोनों में LED नोटिफिकेशन लाइट दी गई, जो इनकी कनेक्टिविटी को शो करती है। कंफर्ट एंड फिटिंग की बात करें तो यहाँ इन ईयर डिजाइन में सिलिकॉन टिप्स का यूज किया गया है, जिससे कि आप इन्हें अपनी ईयर साइज के अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ मीवी के ईयरबड्स में ऐसा कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, जिससे कि ये आपकी ईयर में फिट हो भी सकते हैं और नहीं भी। लेकिन अगर आप ऑलरेडी इस टाइप के ईयरबड्स का यूज करते हैं तो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अगर आप इन्हें फर्स्ट टाइम यूज करेंगे तो आपके ईयर में इशू फील हो सकता है। लेकिन यहाँ दोनों ही ईयरबड्स काफी स्लिम एंड लाइट वेट दिए गए हैं, जिससे कि ये दोनों ही अच्छी फिटिंग प्रोवाइड करते हैं। और अब बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की। नॉइज बड्स में ब्लूटूथ वर्जन 5.2 का सपोर्ट दिया गया है। SBC AAC कोडेक का सपोर्ट भी मिल जाएगा और साथ ही साथ इसमें हाइपर सिंक टेक्नोलॉजी का यूज भी किया गया है, यानी कि इंस्टेंट पेयरिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे आप चार्जिंग केस की लिड को ओपन करते हैं, ये ईयरबड्स आपकी डिवाइस से कनेक्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पर आपको कनेक्टिविटी का एक बेस्ट ऑप्शन देखने को मिलता है। और बात करें मीवी ईयरबड्स की, इसमें ब्लूटूथ वर्जन 5.1 का सपोर्ट दिया गया, जो कि थोड़ा लेस देखने को मिलता है। SBC और AAC कोडेक का सपोर्ट भी दिया गया है, लेकिन यहाँ आपको इंस्टेंट पेयरिंग का कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, जो कि इस प्राइस रेंज के अदर TWS में भी मिल जाता है। तो यहाँ कंपनी को थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्क करना चाहिए था। और यहाँ सीधे तौर पर अगर बात की जाए तो कनेक्टिविटी के मामले में नॉइज बड्स थोड़े से आगे निकल जाता है, क्योंकि उसमें आपको सभी फीचर्स दिए गए हैं। और बात कर लेते हैं साउंड क्वालिटी की। दोनों ईयरबड्स में 13 mm के स्पीकर ड्राइवर का यूज किया गया है और यहाँ दोनों में ही वोकल्स क्लियर हैं, लेकिन नॉइज बड्स में आपको बहुत ज़्यादा लाउडनेस दी गई है, तो अगर आप 100% वॉल्यूम पर प्रीफर करेंगे तो वहाँ पर आपको डिस्टोर्शन भी सुनने को मिल जाएगी। आप 70-80% वॉल्यूम पर ही प्रीफर कर सकते हैं और इसमें आपको लीकेज का इशू भी देखने को मिल जाएगा। बात करें मीवी ईयरबड्स की, तो यहाँ पर आपको इनफ लाउडनेस सुनने को मिलती है और इसमें आप 100% वॉल्यूम तक प्रीफर कर सकते हैं, वहाँ पर आपको डिस्टोर्शन भी फील नहीं होगी। बेस की बात करें तो यहाँ दोनों में बेस सुनने को मिल जाएगा, लेकिन नॉइज के ईयरबड्स में डीप बेस दिया गया है, जो कि मीडियम लेवल का ही सुनने को मिलता है। मीवी की बात करें तो इसमें आपको हैवी लेवल का बेस सुनने को मिल जाएगा, जो कि बूमी टाइप का बेस दिया गया है। अगर आप बेस को प्रीफर करते हैं, यानी कि आप बेस सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मीवी के ईयरबड्स आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। इसमें आपको ओवरऑल बैलेंस साउंड सुनने को मिल जाएगा। अगर आप लाउडनेस को प्रीफर करते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा लाउड में म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, तो आप नॉइज बड्स के लिए भी जा सकते हैं। और बात करें ऑडियो क्वालिटी की, दोनों ईयरबड्स में नॉइज कैंसिलेशन के लिए किसी भी चिपसेट का यूज नहीं किया गया है। दोनों ही ऑडियो क्वालिटी के मामले में डिसेंट ही परफॉर्म करते हैं। यहाँ इन दोनों में आपको सिर्फ 19-20 का ही डिफरेंस देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप इन दोनों ईयरबड्स को आउटडोर में यूज करेंगे तो आपको बैकग्राउंड में नॉइज फील होगी, क्योंकि इस प्राइस रेंज में आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इस प्राइस रेंज में आपको ऐसी ही ऑडियो क्वालिटी सुनने को मिलती है। अगर आप एक नॉर्मल यूजर हैं तो आप जरूर से इन्हें परचेज कर सकते हैं। अगर आप अपनी प्राइस को थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं तो आपको ANC इनेबल का ऑप्शन भी मिल जाएगा, तो आप जरूर से उन TWS के लिए भी जा सकते हैं। और बात करें बैटरी लाइफ की, नॉइज में आपको 30 आवर्स का टोटल प्लेबैक टाइम दिया गया है, वहीं पर ईयरबड्स में 6 आवर्स का प्लेबैक टाइम देखने को मिल जाएगा।
बात करें मीवी की तो इसमें टोटल 50 अवर्स का प्लेबैक टाइम दिया गया है और पर ईयरबड्स में आपको 8 अवर्स का प्लेबैक टाइम देखने को मिल जाएगा। यानी कि यहाँ बैटरी लाइफ के मामले में मीवी ईयरबड्स थोड़े से आगे निकल जाते हैं। और बात करें कंडीशन की तो यहाँ 70% कंडीशन पर ही आपको इन दोनों में बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। अगर आप इससे हायर वॉल्यूम पर प्रीफर करेंगे तो आपको बैटरी लाइफ भी कम ही देखने को मिलेगी। यानी कि बैटरी लाइफ आपके यूजेस पर डिपेंड करती है, लेकिन फिर भी अगर बात की जाए तो बैटरी लाइफ के मामले में मीवी के ईयरबड्स थोड़े से आगे निकल जाते हैं क्योंकि इसमें आपको लॉन्ग बैटरी बैकअप दिया गया है। और अब बात कर लेते हैं गेमिंग मोड की। इन दोनों में ही गेमिंग का कोई भी फीचर्स नहीं दिया गया है और न ही लो लेटेंसी को मेंशन किया है कि इनमें कितनी लेटेंसी देखने को मिलती है। अगर आप इन ईयरबड्स का यूज़ करके गेमिंग प्ले करेंगे तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा लेटेंसी फील होगी। अगर आप गेमिंग के लिए किसी TWS को परचेज करना चाहते हैं तो आप इन दोनों को ही अवॉइड कर सकते हैं और किसी और ईयरबड्स के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल यूजर हैं, आप कभी कभी गेमिंग प्ले करते हैं, तो आप ज़रूर से इन्हें परचेज कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं कंट्रोल फंक्शन की। दोनों में टच सेंसर का यूज किया गया है जिससे कि आप इन्हें ऑपरेट कर सकते हैं और दोनों की टच काफ़ी हद तक रेस्पॉन्सिव देखने को मिल जाएंगे। यहाँ ये बिल्कुल भी स्लो फील नहीं होते हैं, दोनों ही प्रॉपर तरीके से वर्क करते हैं। दोनों में ही कॉल को आंसर और एंड करने का ऑप्शन दिया गया है। दोनों में ही म्यूजिक को प्ले एंड पॉज कर सकते हैं। ट्रैक को नेक्स्ट एंड प्रीवियस करने के ऑप्शन भी दिए गए हैं। वॉइस असिस्टेंट को भी आप एक्टिवेट कर सकते हैं और दोनों में ही आपको वॉल्यूम कंट्रोल का ऑप्शन भी दिया गया है, यानी कि वॉल्यूम को इंक्रीज और डिक्रीज भी आप कर सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की कि इन दोनों TWS में से आपको कौन सा परचेज करना चाहिए। नॉइज बड्स की बात करें तो इसका चार्जिंग केस काफ़ी स्लिम ट्रिम कॉम्पैक्ट साइज का दिया गया है, कैरी करने में कोई इशू फील नहीं होगा। ईयरबड्स की बात करें तो इन ईयर डिज़ाइन का यूज किया गया है और इन्हें आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। कनेक्टिविटी के सभी फीचर्स मिल जाएंगे, इंस्टेंट पेयरिंग का ऑप्शन भी दिया गया है, डिसेंट बैटरी बैकअप मिल जाएगा। और साउंड क्वालिटी की बात करें तो इसमें आपको लाउडनेस बहुत ज़्यादा दी गई है। अगर आप लाउड में म्यूजिक सुनना प्रीफर करते हैं तो आप इनके लिए जरूर से जा सकते हैं, लेकिन इसमें म्यूजिक को फुल वॉल्यूम पर प्रीफर करेंगे तो इसमें आपको डिस्टॉर्शन भी फील होगी और लीकेज का इश्यू भी देखने को मिल जाएगा। अगर आप इसके कुछ कॉन्स को इग्नोर कर सकते हैं तो आप जरूर से इसे परचेज कर सकते हैं। बात करें मीवी डुओ पोर्ट्स की तो इसका चार्जिंग केस भी काफ़ी स्लिम एंड कॉम्पैक्ट साइज का दिया गया है, कैरी करने में कोई इशू फील नहीं होगा। बात करें ईयरबड्स की तो इसमें हाफ इन ईयर डिज़ाइन का यूज किया गया है जो कि डिज़ाइन आपकी पर्सनल प्योरिटी हो सकती है। अगर आप ऑलरेडी इस टाइप के डिज़ाइन का यूज करते हैं तो आप जरूर से इसे परचेज कर सकते हैं। कनेक्टिविटी की बात करें तो इंस्टेंट पेयरिंग का ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ आपको लॉन्ग बैटरी बैकअप मिल जाएगा। बैटरी लाइफ के मामले में ये TWS बहुत ही आगे निकल जाता है। और साउंड क्वालिटी की बात करें तो इसमें आपको अच्छी साउंड क्वालिटी सुनने को मिल जाएगी, लाउडनेस भी इनफ दी गई है, बेस भी आपको बूमी टाइप का सुनने को मिलता है। इसमें आपको ओवरऑल बैलेंस साउंड सुनने को मिल जाएगा। अगर आपको इन सभी फीचर्स की रिक्वायरमेंट है तो आप जरूर से इसे भी परचेज कर सकते हैं। दोस्तों कोई भी TWS परफेक्ट नहीं होता है, सभी में कुछ ना कुछ प्रोज एंड कॉन्स दिए गए होते हैं। आपको अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही TWS को परचेज करना चाहिए। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके अपनी क्वेरीज भी पूछ सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।